हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों, आज हम कैटरपिलर में विड्रॉल लगाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से विड्रॉल लगाना है, बाकायदे हम करके दिखाएंगे कि कैसे विड्रॉल लगाना है। तो दोस्तों, विड्रॉल लगाने के लिए हमें कैटरपिलर का एक और एप्लीकेशन चाहिए, जिसका नाम है कैटरपिलर DMR। उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में सर्च करके कैटरपिलर DMR सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे हम क्लिक करते हैं। तो ये आपसे पूछेगा किस ब्राउज़र में ओपन होना है, तो आप गूगल क्रोम सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जब ओपन होगा तो आप यहाँ पे ओपन इन प्ले स्टोर ऐप पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका प्ले स्टोर में चला जाएगा। देखिए, ये प्ले स्टोर में आ चुका है कैटरपिलर DMR। ये भी लिख के आप सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर में तो आपका ये ऐसा ही आएगा, तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ओपन पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड होने के बाद, और यहाँ पे आप अलाउ कर देंगे, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो कैटरपिलर में डाल के आप लॉगिन करते हैं, और इसके बाद रिमेम्बर मी पे क्लिक करके आप लॉगिन कर लेंगे। मैं अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हमने अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल कर लिया है, मैं आपको अब लॉगिन पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो देखिए, लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप फिल करेंगे। आप पहले क्रिएट पे क्लिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर और नीचे अपना नाम फिल कर लेंगे। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे, ये एक OTP आएगा आपके नंबर पे। डबल सिक्स टू फोर टू फाइव। उसके बाद आप ओके कर देंगे और ये सेंडर क्रिएटेड सक्सेसफुल हो गया है। अब ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें अपना अकाउंट फिल करना होगा, जिस अकाउंट नंबर में हमको भेजना है अपना पैसा, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। ये ऐड आप काट दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है किस बैंक में आपका खाता है, और यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर से लिखना है। तो मैं अपना जो खाता है वो पेटीएम पेमेंट बैंक का डालूँगा। मैं पेटीएम पेमेंट बैंक में 113 रुपये का विड्रॉल करूँगा। तो मैं अपनी सारी डिटेल फिल करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर
दूसरा वाला मोबाइल नंबर फिल कर लिया है जो मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक में है, और मैं अपना पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करके बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेटीएम पेमेंट बैंक हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो गया पेटीएम पेमेंट बैंक। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मेरा बैंक अकाउंट हुआ वैसे ही 1 रुपया मेरे अकाउंट में जा चुका है और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिख दिया है। तो ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम चल के देखेंगे। देखिए 1 रुपया आया है और हम अपने पेटीएम में चल के देख लेते हैं एक मरतबा। ₹280 इसमें मेरे थे और 281 रुपये हो चुके हैं, यानी कि वहाँ से 1 रुपया हमारा आ चुका है। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन देखेंगे, नीचे ट्रांजैक्शन शो करेगा। अभी देखिए 1 रुपया मनी रिसीव हुआ है 9:20 पे, और अभी 9:21 हो रहे हैं। जस्ट अभी आज 22 तारीख है, 22 तारीख को ही रिसीव हुआ है और देख लीजिए ऊपर आज 22 जनवरी है, तो आज मुझे 1 रुपये इससे मिले हैं। तो यहाँ मेरा बैंक कंफर्म हो चुका है, तो मैं ऐड इस पे क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारा ऐड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको र दिख रहा है, र पे आपको क्लिक करना है। र पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको IMPS पे क्लिक लगा देना है और आपके कैटरपिलर अकाउंट में जितना बैलेंस है वो यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। आपके पास ₹105 के ऊपर बैलेंस होना चाहिए। मेरे पास ₹158 है, तो मैं यहाँ पे ₹158 फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपके अकाउंट में तुरंत ही पैसा आ जाएगा। इस बार मेरा, मैंने जब विड्रॉल लगाया था 26 तारीख को, तो मेरा पैसा जो है कि फंस गया था, इसलिए कि उस समय कुछ कंडीशन चल रही थी जिसमें आपको 10 एक्टिव मेंबर होने चाहिए थे डायरेक्ट। वो जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही हमने विड्रॉल लगा लिया और अभी ऐप में काम चल रहा था, इसकी वजह से मेरा पैसा मंडे को आया, यानी कि 28 तारीख को आया। मैंने 26 तारीख को विड्रॉल लगाया था और मेरा अकाउंट में पैसा 28 तारीख को आया। मैं आपको दिखा देता हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक में। ये हमारा पेटीएम का अकाउंट है। तो हमने आपको दिखाया था इससे पहले कि मेरे पेटीएम पेमेंट बैंक में 282 रुपये थे और अब हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक में 435 रुपये हो चुके हैं। और आप यहां देख रहे होंगे कि 153 रुपये प्लस हुआ है। हमने वहां पे 158 रुपये का विड्रॉल लगाया था जिसमें से 5 रुपये वहां माइनस हो जाते हैं। आप जितने का भी विड्रॉल लगाएंगे उसमें से 5 रुपये माइनस हो जाएंगे, कट जाते हैं। कुछ चार्ज करता है, IMPS चार्ज करता है।
और आपका उस 5 रुपये माइनस करके आपका बैंक में विड्रॉल आ जाता है। तो हमारा हमने 158 रुपये का लगाया था और हमारा 153 रुपये अकाउंट में आ चुके हैं। देखिए 28 तारीख को 4:44 पे पैसा रिसीव हुआ है। इस पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं हम। देखिए ये अकाउंट लिंक मोबाइल नंबर, उसमें इस सेंडर का ये दिया हुआ है, वहाँ पे सेंडर में मेरा मोबाइल नंबर था, ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट है और ये ट्रांजैक्शन आईडी है। तो 153 रुपये हमें रिसीव हो चुके हैं। तो दोस्तों इसमें पैसा मिल रहा है ये आपको कंफर्म हो चुका है, और भी लोगों ने आपको दिखाया है कि कैटरपिलर में पैसा मिल रहा है। तो आप कैटरपिलर में काम करिए, अच्छे से मन लगा के काम करिए, आपको पैसा मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात इसमें है दोस्तों कि आप इसमें 105 रुपये पे विड्रॉल लगा लेते हैं तो आपका पैसा फंसने वाला नहीं है इसमें। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसमें अच्छे से काम करिए, और भी कोई दिक्कत होती है तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से भी आप सारी डिटेल ले सकते हैं, जो भी अर्निंग एप्लीकेशन है। आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।